13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बहुत करीब है हम उनके, उनका छुपना अब नामुमकिन है। जब उसे मालूम होगा कि वो सबूत तुम्हारे पास है तो वो हर कीमत पर वो सबूत तुमसे हासिल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जान को खतरा है वहां, इसलिए आंखें और कान खुले रखना। इनाम हासिल करने का लम्हा आज रात ही है। अमीर सादतीन ने तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को मदऊ किया है खाने पर, और वहीं मुझे हाक में आला बनाया जाएगा। कहां है वो? जालिमों का लुकमा अजल बनने के बजाय उसने हक का साथ देना बेहतर समझा है। ऐसी कोई फतह जिसकी कीमत ना अदा की जाए वो हमारी नहीं, कीमत अदा करने वाले खुश नसीब हैं।
ये मकतूब जल्द अज जल्द पहुंचाना है तुम्हें जॉर्जिया के वजीर तक। जैसा आपका हुक्म अमीर। तो कोरकुत साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और सरदारी की मसनद उनके बेटे तूतकिन ने संभाल ली और मेरी बहन आयतुलन उसके बाप की बेवा के तौर पर तूतकिन के औताक में रिहाइश पजीर है। तूतकिन के औताक पे तुमने खूब कब्जा किया है। तुम्हें विसारत मिलने के बाद वो तुम्हारा हमनवा होगा, तुम्हें यकीन है? न सिर्फ हमनवा ताबेदार भी होगा। और अगर अपने बाप की तरह वो सरदारी का उम्मीदवार बन बैठा और तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया फिर क्या होगा? तो फिर उसके बाप की तरह उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा अमीर सादतीन। और गुंदोगतू? गुंदोगतू की शादी मेरी बेटी से हो जाएगी। मेरी गिरफ्त उस पर मजबूत है अमीर सादतीन, वो मेरी रजा पर राजी रहेगा। आफरीन गुमुश्तकिन, तुम एक एक करके अपने सारे वादे वफा कर चुके। सियासत के ये दाव पेच मैंने आप ही से महल में सीखे हैं अमीर सादतीन। तो फिर आज शब दीगर सरदारान से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं, वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही तमाम सरदारान को तुम्हारी वजारत के बारे में मुत्तला कर दूंगा मैं। कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे लिए? आपके होते हुए कुछ हो सकता है क्या? आराम करो अब जाके, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। अल्लाह आपको हर खतरे से महफूज रखे। तुम बानो चिचेक, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। क्या कुल खिलाना चाह रही है तुम सुलझान खातून?
या अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी मदद फरमा। बारूची जैक, बहन क्या हुआ तुम्हें? यहाँ आओ, मेरा सहारा लो, आराम से, आराम से, आराम से, यहाँ रुको। तुम ठीक तो? कुंदोगतु भाई के सिपाहियों से सामना हो गया था मेरा। या अल्लाह मदद करना, मदद करें मेरी, इस तीर को निकाल दीजिए। ठीक है, रुको। सलजान खातून, एक ही बार में तीर को निकाल दीजिएगा, मेरी तकलीफ की परवाह मत कीजिएगा, एक ही बार में। बिस्मिल्लाह कीजिए। इसे दबा, फिक्र मत करना। तैयार रहो, तैयार रहो मेरी बहन। बिस्मिल्लाह। गौंजा को ला गई है क्या? हाँ, हाँ यही है। आयतोलन इस बार बच नहीं पाएगी सलजान खातून। दुरु खातून की मौत का सबूत मेरे हाथ लग चुका है। इस बार कबीले के सामने वो नहीं बल्कि मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। कल सूरज गुरूब होने से पहले यहां आ जाऊंगी मैं और वो सबूत हवाले कर दूंगी आपके। उस सबूत को जिरगे में पेश करने के बाद आयतोलन जैसी नागिन का खेल खत्म हो जाएगा। आप मेरे लिए परेशान ना हो, किसी को इस बारे में कुछ ना बताइएगा। इस पूरे कबीले में मैं सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बहन। शुक्रिया। बहन अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। आपका भी मेरी बहन, आपका भी। कोई नहीं बचा सकता इन्हें, जितना खुद को बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। बहुत जल्द इन मकारों की गर्दनें इंसाफ के शिकंजे में फंस जाएंगी।
आही के शेख किरमानी आपसे मिलना चाहते हैं अमीर हजरत। बुलाओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी शेख किरमानी, मगर मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहता हूं। खुशनसीबी है मेरी। तशरीफ रखें। हम दुश्मनों के लिए भी दुआगो रहते हैं वैसे ही जैसे अपने मुसाहिबों के लिए। अमीर सादुद्दीन, दुश्मन के लिए दुआ को अफराद मैंने कभी नहीं देखे शेख किरमानी। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें महफूज रखे साजिशों से और दुश्मनों के मकर व फरेब से। ऐसा आप क्यों करते हैं हजरत? क्योंकि दरअसल शैतान के शर से बचकर ही रहमान की मार्फत हासिल होती है। जालिम ने हम पे इतने जुल्म किए कि शैतान भी पीछे हट गया और अल्लाह की मदद हासिल हुई। ज्यादा दुआ हम उनके लिए करते हैं जो हमारे जवानों को मारते हैं और हमें हमारे अकीदे का दिफा करने का मौका देते हैं। हमारे जवानों का जज्बा उनकी दुश्मनी की वजह से और भी मजबूत हो जाता है। मैं यहाँ काई कबीले के साथ नौरोज का त्यौहार मनाने आया था, सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। काई कबीला, हमें जालिमों के जुल्म से बचाने वाले सरदार अर्तुरुल के लिए हम यहाँ खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। तो तुम्हें उस हमले से अर्तुरुल ने बचाया? जिसने खल्क किया वही जिंदगी का मुहाफिज है। कौन सा गुल? फूफीजान, सलजान ने बाना जिजेक से मुलाकात की थी। क्या कह रही हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं जड़ी बूटियां जमा कर रही थी, सलजान को देखा वहां, शुबा हुआ मुझे, इसीलिए काले पत्थरों तक ताकुब किया मैंने उसका। और फिर बाना जिजेक भी वहां आ गई, जख्मी थी। जख्मी थी? लगता है कि सिपाहियों ने उसे पकड़ने के लिए तीर मारा था। सलजान और वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। हाँ बताओ, वो दोनों क्या बातें कर रही थी? दुरु खातून के कत्ल का सबूत उनके हाथ लग चुका है पप्पू जान। मुमकिन नहीं है ये। वो कल दोबारा सूरज ग्रूब होने से पहले वहां मिलेंगी। बानो जिजेक सलजान के हवाले करेगी वो सबूत, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे हम? खामोश हो जाओ, रुक जाओ, सोचने तो मुझे सरा। सिपाहियों को वहां भेज के दोनों को मरवा देती हूँ मैं। क्या कह रही है? अगर वो सबूत सिपाहियों के हाथ लग गया तो जानती है ना क्या होगा। तो फिर मैं खुद जाऊंगी वहां। बानो जिजेक जख्मी है, ऐसी सूरत में मेरे लिए उसको मारना आसान हो जाएगा, तभी हम सुकून का सांस ले सकेंगे और सुलझान पे कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। और वो दुआन, अगर वो वहां आ गया उससे आप कैसे मुकाबला करेंगी? हाँ
आयतोलन खातून। अंदर आ जाओ काया। गुंदोगदू साहब दोआन को गिरफ्तार करके ले आए हैं। वो दोनों औरतें अपने अंजाम को शायद अब मेरे ही हाथों से पहुंचेंगी। जैक कहाँ है भाई? उसे हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन सिपाही दुमरल की निगरानी में उसे तलाश कर रहे हैं। तुमने क्यों बानोजी जैक की भागने में मदद की? क्या अर्तुरुल भाई ने कहा था तुमसे? मैंने ये सब अपनी मोहब्बत के लिए किया तूतकिन भाई, लेकिन अगर मुझे बानोजी जैक के कातिल होने का यकीन होता तो मैं अपनी मोहब्बत की परवाह किए बगैर उसे आपके पास ले आता। बानो जीजे को ढूंढ लिया भाई, मैंने उस पर तीर चलाया लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गई। बानो जीजे, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। नहीं, बानो जीजे, मजीद सिपाही उसके पीछे भेजो, उसके बगैर वापस मत आना। तुम सब लोग कितने बेहिस हो, मुझे पूरा यकीन है उस पर वो बेकसूर है। जब दुआन एतराफ़े जुर्म कर ही चुका है, इसकी सजा का तय हाय मफूफी करेंगी। ये उनकी ख्वाहिश है और मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस बार इसको कफस में कैद नहीं कीजिएगा भाई। इसको एक सुतून से बांध दीजिए और दो दुर्गा के सिपाही इसकी निगरानी पर मौजूद होंगे, कोई भी इसके करीब नहीं जाने पाए। अमीर सादतीन की दी गई दावत से वापसी पर मैं हाइमा फूफी का इंसाफ देखना चाहूंगा। किस दावत का जिक्र कर रहे हैं आप? अमीर इज्जत मुआब ने यहां के तमाम कबाइल के सरदारों को मदऊ किया है। बताओ दुआन, क्यों किया तुमने ये सब? मुल्जिम बनकर कैसा लग रहा है? चीचे खातून बेकसूर है भाई, वाकई आप लोगों को इंसाफ नहीं करना आता। ले जाओ और बांध दो इसे। क्या खबर है सलजान खातून? गुंजे गुन ने हमारी गुफ्तगू को मुकम्मल सुना है भाई। सच है ये, जिस तरह मैंने उसे भागते हुए देखा वो खौफ सता लग रही थी। अपने मकसद में कामयाब हुए हम, लेकिन एक मसला और भी अर्तुरुल। बानो जिजैक जब वहां पहुंची तो जख्मी थी अर्तुरुल भाई, मैंने उसके कंधे से तीर निकाल दिया है। उसने कहा कि आगे वो संभाल लेगी और चली गई। उसने मुझे बताया कल वो सूरज गुरूब होने से पहले मुझे वहीं मिलेगी।
अमीर सादतीन ने तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को आज रात कारवान सराय में दावत पे बुलाया है। अब जबकि बानो जिजक जख्मी है और आज शब दावत भी है तो तुतकिन भी कारवान सराय में मौजूद होगा। आगे के हालात और भी पेचीदा हैं। मामलात कैसे संभालोगे अर्तुरुल? कोरकुत मामू को मार दिया इन्होंने और अब कोई लम्हा जाया किए बगैर को पैक अपनी नई चाल चलने को तैयार है। आज शब जान जाऊंगा इनके इरादे। क्या इरादे हो सकते हैं उनके? वो सिर्फ तुर्क कबाइल पर अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं करना चाहते वालिदा। उनका असल मकसद दुआन पकड़ा गया है, बानो जिजक जख्मी हो गई है। अब बताओ मुझे मेरे भाई, अपनी इस खोदी हुई कब्र में और कितने लोगों को जिंदा दफन करोगे तुम? आखिर कब आपकी आंखें खुलेंगी और आपको हकीकत का इदराक होगा भाई? बस करो अर्तुरुल, मैं तुम्हारी इन बेसरूपा बातों से अब तंग आ चुका हूं। बहुत हो गया, बस करो तुम लोग। आखिर कब तुम दोनों भाई एक दूसरे को समझ पाओगे? एक अहम जिम्मेदारी देनी है तुम दोनों को, हो सकता है फिर एक दूसरे को समझ पाओ। अमीर सादतीन की दावत में आज रात तुम दोनों मेरी तरफ से नुमाइंदगी करोगे। वालिदा, अर्तुरुल सादतीन कोपैक के बारे में क्या राय रखता है आप जानती नहीं है क्या? वहां आप कैसे भेज सकती हैं इसे? अमीर सादतीन किसी बहुत खास मामले पर आज शब बात करना चाहता है। अगर वो तुम्हारी राय पूछे तो तुम उससे किसी बात पर भी इत्तफाक नहीं करोगे। अगर किसी मामले पे तुम दोनों में से कोई इनकार करे तो दूसरा भी उसकी ताईद करेगा। समझ गए ना मेरी बात? तैयारी करो जाकर। बानो जिजक बहादुर लड़की है, वो कल हर सूरत उस जगह पहुंच जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी हमें, डटे रहना होगा। बाकी आप जानते हैं क्या करना है। कल हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी। जिजक कहा है? तो तकिन, दुआन को अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम चाहे जितना भी तशद्दुद कर लो, ये मुंह नहीं खोलेगा अपना। और क्या भूल गए हो? इसकी सजा का फैसला हैमा खानम को करना है। बस करो, बस करो, बस करो। आज के लिए इतना काफी है। देखते हैं हैमा भूपी इसके लिए क्या सजा तजवीज करती है। तू तकिन सरदार, रस्सियों में जकड़े एक सिपाही को मारकर एक सरदार की इज्जत में इजाफा कब से होने लगा? और आपने कब से सरदारों को हिदायत देना शुरू कर दी है अर्तुरुल भाई? हकीकत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे सिपाहियों से दूर रहो तो बेहतर है। जज्बात काबू में रखो, कम अज कम अमीर सादतीन को पैक की दावत से वापस आने तक। हैमा पुपी कारवान सराय नहीं जाएंगी? नहीं, उनकी जगह हम दोनों वहां जाएंगे उनकी नुमाइंदगी के लिए। यह आपकी कोई नई चाल तो नहीं अर्तुरुल भाई?
सिर्फ हमारे कबाइल काफी नहीं थे क्या कि वहां भी बेसुकूनी फैलाएंगे? हकीकत बताने के लिए अगर सारी दुनिया को भी बेसुकून करना पड़े तो क्या हर्ज? रुक जाओ, इधर चलो। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल तशरीफ लाए हैं। लगता है बहुत ही कोई खास मामला है। कुमुश्तकिन साहब ने कुछ बताया है तुम्हें? उन्होंने कहा कि अमीर सादुद्दीन किसी खास मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, बस इतना ही इल्म है। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। देखते हैं। क्या इन दोनों की जात से आपको किसी अच्छी बात की उम्मीद है भाई? अर्तुरुल, देखो यहां मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालना। हम वालदा की नुमाइंदगी करने आए, याद रखो। भाई परेशान मत हो आप, लेकिन कबीले के खिलाफ कोई बात की तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अर्तुरुल, अमीर सादुद्दीन को पैक तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम तुर्क सरदारान की तशरीफ आवरी शरफ है मेरे लिए। दिली मुसर्रत हुई है मुझे यकजा देखकर आप सबको। मैं देख रहा हूं कि तमाम तुर्क सरदारान आज यहां मौजूद हैं। नोयान और उसके ठिकाने पर हमला करके उसे तबाह करने वाले दो शेर दिल सरदारान तूतकीन और गुंदूकदू भी यहां हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी मुसर्रत का बाइस है हमारे लिए, और इस दावत की रौनक वो बहादुर है जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। अर्तुरुल साहब की आमद का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। उन्हें एक बार फिर आपकी मौजूदगी में मैं दादो तहसीन से नवाजना चाहूंगा।
हम भी हम ख्याल हैं आपके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तनावुल फरमाइए और मेरी इज्जत में इजाफा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकल्लुफ न कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइमा खातून ने अर्तुरुल को यहां भेजकर सही नहीं किया अमीर सादतीन। कुंदुक्तु तो तुम्हारा दामाद है ना? इत्मीनान रखो। फिर हाइमा खानम, तुर्कुत और बमसी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो उन्हें। जैसा आपका हुक्म। खैरियत? हाय मखानम, दुहान को बानो जेजैक के जख्मी होने का इल्म हो गया है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता पाए कि बानो जेजैक बिल्कुल ठीक है। तू तकिन भाई के सिपाही हमें उसके करीब भी नहीं जाने दे रहे। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वो कबीले के बीचों बीच बांध दिया गया है, और ना ही उसे भूख और प्यास की कोई परवाह है। उस तक बस ये खबर पहुंचा दे। लेकिन वो बानो जेजैक के लिए बहुत परेशान है हाइमा खानम। उसके दर्द को अगर कोई कम कर सकता है तो वो आप है। अगर आप बेहतर समझे तो जाकर दुआन को बानो जेजैक की खैरियत के बारे में बता दें, वरना वो पूरी रात तड़पता रहेगा हाइमा खानम। अगर कोई भी कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। हम आपकी जानिब से दी गई इस पुरतकल्लुफ दावत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन साथ ही हम इस ज़ियाफ़त के मकसद को भी सुनने के मुंतज़िर हैं अमीर सादुद्दीन। ये हमारे लिए एहसास है कि मंगोलों के खिलाफ बेखौफ होकर जिहाद करने वाले तमाम कबाइल के सरदारों के साथ हमें यहां मद्दू किया गया। आपके मरहूम बाबा की ताज़ियत पेश करता हूं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अपने जवारे रहमत में जगह दे उन्हें। अल्लाह पाक आपके वालिद की मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया।
जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि यह दावत किस मकसद के लिए रखी गई है। लिहाजा वक्त जाए किए बगैर हम मौजू पर आते हैं। रियासती निजाम को मजीद मुनज्जम करने के लिए और तुर्क कबाइल को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए आप सबकी बाहमी मुशाविरत से नए वजीर मुकर्रर करना चाहता हूं मैं। नए वजीर यह कैसे हो सकता है? नए वजीर कैसे मुकर्रर कर सकते हैं? मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। और इस मौके पर मैं नामजद करता हूं उस सरदार को जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, कुमुश्तकिन साहब। मैं आपको सरदार आला की जिम्मेदारी सौंपता हूं। बानो जिजैक जख्मी है, अल्लाह के करम से तुम्हारी फूफी अकेले ही उसका काम तमाम कर सकती है। तुम परेशान मत हो। बानो झिझक को मैंने दरिया के किनारे पर देखा है, तेज रफ्तारी से जा रही थी घोड़े पर। मेरे पास घोड़ा नहीं था, उसका ताकुब नहीं कर सका। उन दोनों को मैंने मारा है, इस बात को तुम कभी भी साबित नहीं कर सकोगी। क्या होगा अगर हाइमा खानम ने अर्तुरुल की बात मान ली और तुम्हारे खिलाफ हो गई? मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा अमीर सादतीन।